पहिला प्रश्न आहे की आमचं आता जायचं निश्चित झालेलं आहे. एकदा तो जायचा निश्चित तारीख आमची 5 तारीख नक्की ठरलेली आहे. ती झाल्यानंतर तिकडच्या राज्यातील लोकांशी आम्ही बोलतोय. सिक्युरिटी बिक्युरिटीची सगळी व्यवस्था आहे. या सगळ्या गोष्टींचा एकदा सांगोपांग. दर्शन करना चाहते हैं हम उत्तर भारतीय के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग अपने आप को भगवान राम का ही वंशज मानते हैं और भगवान राम के वंशजों को भी को ही आप भैया कहोगे भैया भैया कहोगे अपराधी कहोगे पीटोगे और राजनीति करने के लिए राम जी का दर्शन करोगे हम ही को मारोगे और हमारा नाम लेकर के राजनीति करोगे ये नहीं होने दूंगा. क्या करेंगे आप? जो करेंगे दुनिया देखेगी. नहीं, जैसे वो एयरपोर्ट से आएंगे तो फिर कैसे नहीं आने देंगे? बस आप एक बात जान लो, उनको घुसने नहीं दूंगा. वो एयरपोर्ट से आवे या ट्रेन से आवे, अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा. लखनऊ की धरती पर उनको पैर नहीं रखने दूंगा. और हम नहीं, उत्तर भारतीय तैयार है इसके लिए. इसके लिए पंजाब तैयार है, गुजरात तैयार है, दिल्ली तैयार है, हरियाणा तैयार है, झारखंड तैयार है, उत्तर प्रदेश तैयार है, बिहार तैयार है. जिन जिन लोगों को पीटने का काम इन्होंने किया सब तैयार हैं. वो सब लोग चाहते हैं कि पहले ये माफी मांगे तब आवे. सांसद जी, तो राज ठाकरे का ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? वो उन्होंने योगी की तारीफ की, पहले मोदी जी को भी वो कोसते थे. नहीं, ये उनका विषय है. अभी कुछ दिन पहले कहते थे योगी मोदी अगर आएगा तो देश गर्त में चला जाएगा अगर योगी को. अब क्या बताएं क्या कहते थे. आज इसका हृदय परिवर्तन हो गया. अचानक ये भेष बदल करके आ रहा है. चलो हृदय परिवर्तन होगा, कोई बात नहीं है. हृदय परिवर्तन हो सकता है तो हृदय परिवर्तन हो गया तो माफी मांगो. आपने ये होल्डिंग्स लगाई है और ये मीटिंग है, क्या वजह है? देखिए, ये तैयारी है. हमको पता चला कि वहाँ से ट्रेनें बुक हो रही हैं, हमको पता चला कि वहाँ से बसें बुक हो रही हैं. कुछ कार्यकर्ता उनको हमको भी फोन करते हैं. आज ही उनके 2-3 कार्यकर्ताओं का फोन आया. और कुछ लोग तो अच्छे तरीके से बात करते हैं, कुछ लोग बीच में अपना ताकत दिखाते हैं. तो मैंने उनको कहा कि ये उत्तर प्रदेश है और मेरा नाम ब्रजभूषण सिंह है और मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं. और चलिए आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे. अरे चंचल भैया, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला. सुनो, ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है. अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला. जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा. नेताजी, अब उनका पाला पड़ा है, अब उनका पाला पड़ा है, अब हम देखेंगे उनकी गुंडागर्दी. नेताजी, एक चीज कर करके आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं आह्वान कर रहा हूँ. मेरा जिले जिले में दौड़ा शुरू हो गया, पोस्टर बैनर सब लगने शुरू हो गए. आज मेरा यहाँ कार्यक्रम है, कल मेरा तरफगंज में कार्यक्रम है, परसों मेरा नंदनी में कार्यक्रम है, 9 तारीख को मेरा बस्ती में कार्यक्रम है, उसी 9 तारीख को मेरा अम्बेडकर नगर में कार्यक्रम है, फिर मेरा बलरामपुर में कार्यक्रम है, मेरा कैसरगंज में कार्यक्रम है. मैं अपने लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ. देखिए, देवीपाटन मंडल का अपना एक इतिहास है, उत्तर प्रदेश का भी अपना इतिहास है. देश पर जब जब भी संकट आया है हमने बढ़ करके उस संकट को झेला है. मैं अपने लोगों को आह्वान करता हूँ कि इस दुष्ट को उत्तर प्रदेश की धरती पर मत घुसने दो जब तक ये माफी न मांगे. अचानक से राष्ट्रभक्त और राम भक्त कैसे बन गए राज ठाकरे? अब जाने दो उसके तो, चक्कर में मत. नेताजी, ये क्या भाजपा सांसद के हैसियत से आप ये रोक रहे हैं? ब्रजभूषण सिंह की हैसियत से, मैं उत्तर भारतीय होने की हैसियत से, उत्तर भारतीय होने, मैं पहले उत्तर भारतीय हूँ, पहले राम का वंशज हूँ, फिर उत्तर भारतीय हूँ और तब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य. अच्छा नेताजी, एक आखिरी क्वेश्चन, आपने जो बयान दिया है क्या इससे भाजपा विरोधी पार्टियों को बल नहीं मिलेगा? मेरा लोग कोई लेना देना नहीं. अरे भाई, कहाँ बड़ा झगड़ा है? 2 लाइन की तो बात है. कह दो कि जो गलती किया उसके लिए माफी मांगते हैं और भविष्य में उत्तर भारतीयों से एक साथ व्यवहार अच्छा करें. ये काम खत्म. नेताजी संग.